तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक लॉजिक की बात बताता हूँ। मैंने अपने इस चैनल पर एक या डेढ़ महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, कुछ एक या दो वीडियो अपलोड की होगी, तो फिर भी मैंने अपने इस चैनल से $15 की अर्निंग कर ली है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, मैं पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और व्यूज की बात करूं तो भी व्यूज मुझे अच्छे खासे व्यूज मिल रहे, सब्सक्राइबर्स मिल रहे, तो ये कैसे हो रहा है और आप अपने चैनल पर ये सब कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने चैनल पर एक्टिव नहीं हो एक 4-5 सीजन के लिए, फिर भी आपका चैनल रन कैसे करे, आपके चैनल पर व्यूज कैसे आए, कैसे व्यूज को लेकर आना होता है, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे चैनल पर व्यूज आ जाए, तो ऐसे क्या कौन सा तरीका है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि भाई मैंने अपने इस चैनल पर मैंने क्या ऐसी ट्रिक को अप्लाई किया कि जिससे कि मैं अगर एक्टिव ना भी हो तो भी मुझे व्यूज मिलते रहेंगे और अच्छी खासी अर्निंग भी मैं उससे कमा सकता हूं, मतलब कि जनरेट कर सकता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी को करना है क्या, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल हो क्या रहा है। और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर लो, ताकि भाई सब्सक्राइब करना फ्री है हमारे। ओके, तो यहां पर चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल क्या ट्रिक है। ओके, तो यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया है। ओके, अभी करने के बाद देखिए यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा भाई 13.55। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एनालिटिक्स पर चले जाता हूँ, आपको भी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको वीडियो स्किप नहीं करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी एनालिटिक्स पर चले गया। सबसे पहले आपको करना है कि अभी कंटेंट पर चले जाना है, यहाँ पर आ जाना है, आपके YT स्टूडियो में जाओ, कुछ इस तरह जो मैं बता रहा हूँ वैसा सेम जाकर देखो। ओके, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद ओके नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो हाउ व्यूवर्स फाइंड योर वीडियोस, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यूट्यूब सर्च, मतलब कि यूट्यूब सर्च से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखा जा रहा है, जाहिर सी बात आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद आपको सेट करना है यहाँ पर वो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यूट्यूब सर्च टर्म्स, मतलब के जो लोग हैं जो आपके वीडियोस को देख रहे वो कौन से वीडियोस को सर्च कर देख रहे, ये आपको यहाँ से पता लगेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लास्ट 28 डेज का है, तो यहाँ पर लास्ट 28 डेज में जो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले वो है रिएक्शन वीडियो कैसे बनाए, मतलब कि मेरे चैनल पर रिएक्शन वीडियो मैंने कैसे बनाए, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाया हूँ। तो यहाँ पर मुझे इन वीडियोज़ पर अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे और इन वीडियो से ही मुझे अर्निंग हो रही है। और यहाँ पर लास्ट 28 दिन का बता रहा है, 28 दिन जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर वन वीडियो है रिएक्शन वीडियो कैसे बनाए, सेकंड है ओपन कैमरा सेटिंग। तो यहाँ पर ये दो जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, तो मुझे व्यूज़ यहाँ पर मिले। अब व्यूज़ कैसे मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पर मैं 7 डेज का कर लेता हूँ, 7 डेज का करने के बाद भी मुझे यहाँ पर देखो नंबर वन पर रिएक्शन वीडियो ही आ रहा, तो चलिए यहाँ पर 48 घंटे का कर लेते हैं भाई। 48 घंटे में मुझे यहाँ पर भी 48 घंटे में रिएक्शन वीडियो का ही बता रहा हूँ। उसके बाद मैं 60 मिनट, मतलब कि लास्ट 1 घंटा पहले कर देख लेता हूँ। तो 1 घंटा पहले ओपन कैमरा है, उसके नीचे रिएक्शन वीडियो, मतलब कि मेरे इस चैनल पर जो ऑडियंस है वो ये कीवर्ड को सर्च करें, मतलब कि ये टाइटल जो है कि ओपन कैमरा के सेटिंग से रिएक्शन वीडियो एक्सटर्नल माइक है, तो कुछ इस तरह के जो टाइटल है, जो इस तरह के जो वर्ड्स है वो सर्च कर सर्च जैसे ही सर्च करें तो मेरी वीडियोस उनको दिखाई दे रही है और वो मेरी वीडियो को ओपन कर वॉच करें। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर जाना है, आपको सिलेक्ट करना है, यूट्यूब सर्च टर्म्स में आपको जाकर देखना है कि अभी आपके चैनल पर कौन से कीवर्ड है जो लोग सर्च कर रहे हैं और आपकी वीडियो उनको नज़र आ रही है, तो उसी टाइप के वीडियोज़ आपको बनाना है। अब यहाँ पर मैं देखिए कंटेंट पर आ जाता हूँ। अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि भाई यहाँ पर देखिए मैं 2 महीने पहले एक वीडियो बना था रिएक्शन रेस्पेक्ट शॉर्ट, तो यहाँ पर देखिए 1.1 है। तो अगर मैं मोस्ट पॉपुलर पर चले जाऊँ तो आपको समझाने के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए रिएक्शन वीडियो कैसे बने जिसका 70,000 व्यूज है, और उसके नीचे ओपन कैमरा है, कार्टून वाली फैक्ट वीडियो, ओपन कैमरा जितने भी मेरे अगर आप जाकर वीडियोस मोस्ट पॉपुलर वीडियोस से देखेंगे तो ओपन कैमरा के ऊपर मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। अगर मैं आज भी अगर ओपन कैमरा के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो उसी टाइप के लोगों को भेजता है मेरे वीडियो जो देखना पसंद करते। तो आपको भी कुछ इस तरह अपने YT स्टूडियो में जाना है और देखना है कि भाई कौन से वो कीवर्ड है जिस जो लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, उसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए आप बहुत सारे जो भी वीडियोज़ है वो रिएक्शन वीडियो यहाँ पर देखिए रिएक्शन, या तो लाइन लगे वाली है रिएक्शन वीडियो के ऊपर। तो अगर मैं रिएक्शन वीडियो और ओपन कैमरे के ऊपर इन 2 कीवर्ड के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये मेरे चैनल का एनालिटिक्स मैंने आपको दिखाया। अब आपको करना है क्या, अभी आपके चैनल की एनालिटिक्स आपको जाकर देखना है, यूट्यूब सर्च टर्म्स में आपको कौन से कीवर्ड दिखा रहे उसी कीवर्ड पर आपको वीडियो बनाना है। तो
आपको कंपल्सरी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भी आपको व्यूज मिलेंगे। नहीं मिलते तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आप क्या हो तो। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट आप सभी के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं इसी को ट्रिक मानता हूँ और मैंने इसको अप्लाई किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए इस एक टाइटल पे, तो मुझे अभी के टाइम पर यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में, बाय बाय।